द गुरुकुल सेक्टर 20 पंचकुला। विद्यार्थियों ने हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब की स्थापना की है। इस क्लब के जरिए विद्यार्थी समाज के पिछड़े लोगों में उनके कानूनी अधिकारों से जागरूक करवाएंगे। द गुरुकुल इस अभियान में जुड़ने वाला पहला गैर सरकारी स्कूल है। मैम, हमारे स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब लॉन्च हो रहा है। हाँ जी। तो मैम, उसकी शुरुआत के लिए हमने एक्टिविटी सोची है। बताइए। उसके लिए हमें आपसे मानना गांव जाने की परमिशन चाहिए। मानना नियर मोरनी? यस मैम। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। मैं आप लोगों की अरेंजमेंट्स करवा देती हूँ उस पर जाने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अब हम मानना गांव पहुंच गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे लोगों की क्या समस्या है। बेटा, कौन हो? कहाँ से आए हो? हम लीगल लिटरेसी क्लब के मेंबर्स हैं। इस साल इस क्लब ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। हम गांव वालों को उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप आइए हमारे साथ, आपको गांव की चौपाल के ले चलते हैं। ये हमारे गांव के सरपंच हैं। आपके किस अभियान में ये आपकी सहायता करेंगे? मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूं ताकि आप उनको अपने अभियान के बारे में बता सकें। बच्चों, ये गांव वाले आ गए हैं, आप इनको अपने अभियान के बारे में बता सकते हैं। हम लोग हरियाणा स्टेट लीगल लिटरेसी क्लब के सदस्य हैं। आजकल के जमाने में अनेक बुराइयां हैं, जैसे घरेलू हिंसा, नारी उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, काम के बदले उचित पगार न मिलना आदि। तुम्हें ऐसे जुल्म झेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप में से किसी को इस तरह की परेशानी है या आपका कोई जानकार इस तरह की परेशानी से तंग है तो आप हमें साफ साफ बताइए, हम आपको इन परेशानियों से निपटने का रास्ता बताएंगे। ऐसी समस्याओं का समाधान भी हालसा के जरिए हो सकता है। मेरी भी एक समस्या आई, जब से मैंने जमीन जरादात बच्चे का नाम लगवाई कोई नहीं पूछता है। ऐसी समस्याओं में भी आप अपनी जमीन हालसा के जरिए वापस अपने नाम करवा सकते हैं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताइए। मेरी मासी ऐसी परेशानी के कारण बहुत ज्यादा दुखी है, क्या आप उनकी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, आप हमें उनके पास ले चलिए। मासी जी, मसर की वजह से आपको जो परेशानी है आप इनको बताओ, शायद ये आपकी मदद कर सके। मैं क्या बताऊँ, मैं एक स्कूल में आया हूँ। आओ बेटा, यहाँ पर आके बैठ जाओ। जो कमाती हूँ उसी से घर परिवार चलाती हूँ। मेरे पति जो कमाते हैं उन्हें शराब मुंडा देते हैं, ऊपर से मेरे से पैसे मांगते हैं, ना देने पे मारपीट करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। सिर्फ आप ही इस तरह के जुल्मों के शिकार नहीं हो, बहुत सी औरतें हैं जो ऐसे जुल्म सहती हैं। पर अब हालसा ने ऐसी औरतों की मदद करने के लिए कई कानून बनाए। जी हाँ, आप लोग लीगल लिटरेसी क्लब के जरिए हालसा के नंबर 1800-1800-2057 पर मुफ्त में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस तरह विद्यार्थियों ने अपने अभियान की शुरुआत की और लोगों की समस्याओं को समझा और सुलझाने में उनकी मदद की। तुम कौन हो, क्या करते हो? हम जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दिलवाते हैं। मैं आप लोगों से कानूनी सलाह लेनी चाहती हूँ। मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले ने वापस भेज दिया। इसका क्या कारण है? आप मेरी बेटी से बात कर लो। आपकी क्या समस्या है? क्या बताऊं?
पहले तो वो मुझे कम दहेज के कारण तंग करते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मैं एक और बेटी को जन्म देने वाली हूँ, तब से वो चाहते हैं कि मैं इस बेटी को पेट में ही मार दूँ, और इसलिए मुझे अपनी माँ के घर आकर रहना पड़ रहा है। आपने तो एक नहीं बहुत से जुल्म सहे हैं जिनके लिए आपके ससुराल वालों को कड़ी सजा हो सकती है। दहेज के लालची लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अब हालसा के टोल फ्री नंबर 1800-180-207 पर संपर्क कर सकते हैं। और कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्रूर अपराध के लिए भी कानून सख्त से सख्त सजा देता है। इस तरह की शिकायत के लिए आप हालसा के टोल फ्री नंबर 1800-180-207 से मदद मांग सकते हैं। लोगों का उत्साह देखकर विद्यार्थियों का जोश भी बढ़ने लगा और वे और भी जोर शोर से इस अभियान में जुट गए। 3 दिन से कहाँ थे तुम, क्यों नहीं आए? आप इसको इस तरह क्यों डांट रहे हैं? ये मेरे यहाँ काम करता है, बिना बताए छुट्टी कर गया। मेरा सारा काम बंद हो गया, तुम्हारी का झूठा बहाना बनाता है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये झूठ बोल रहा है? क्या आप नहीं जानते कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है? ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं बनाई गई हैं। जी हाँ, बाल शोषण के शिकार बच्चे या जो उनकी सहायता करवाना चाहते हैं, वे हालसा में उनकी शिकायत करवा सकते हैं। और हालसा का टोल फ्री नंबर है 1800-180-207। ये अभियान यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और वक्त के साथ इसका दायरा भी बड़ा हो जाएगा। आने वाले वक्त में ये सब विद्यार्थी मिलकर इस अभियान को एक बड़ी क्रांति में बदल देंगे, ऐसा इन सब का विश्वास है। इस अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग के पिछड़े लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से जागरूक करवा कर उनका हक उन्हें दिलवा कर रहेंगे, ये इन सब का दृढ़ निश्चय है।